तो नमस्कार दोस्तों, आर्य ज्वेलरी आगरा में एक बार फिर से स्वागत है सब लोगों का। तो पर डे वीडियो जैसे आती है आपको मालूम है, तो मैं दोबारा लेकर आ गया हूँ एक और वीडियो आपके साथ आपके समक्ष। तो ये टॉपिक कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि आप लोगों का प्रैक्टिस करते करते काफी टाइम हो गया, अब है काम करने की बारी। काम करने से पहले आपको रिक्वायरमेंट होगी सोल्डिंग टांका वगैरह की, तो आज वीडियो उसी के ऊपर मैं बनाने जा रहा हूँ कि सोल्डिंग टांका वगैरह कैसे बनाते हैं चांदी का। शुरुआती में सबसे पहले चांदी का ही आप काम करिएगा, क्योंकि उसमें हाथ साफ होता है। उसके बाद में सोने का आएगा, सोने का मैं सिखाऊंगा। तो चांदी का टांका बनाते हैं, चांदी का टांका बनाने की मैं तीन विधि बताऊंगा, इजी एंड फास्ट, के आपके समझ कोई भी आइटम जोड़ने के लिए आता है तो तुरंत टांका बना करके और तुरंत झाल लगा करके आप पैसे खड़े कर सकते हैं, कस्टमर चला सकते हैं अपना। तो तीन विधियां हैं। फर्स्ट नंबर, आपको जो घुंघरू होते हैं ना, बहुत इजी एंड सुपर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 84 वाला जो घुंघरू आता है ना, ये घुंघरू, ठीक है, ये घुंघरू ले लीजिए, कुछ भी नहीं करना है, गला दीजिए, हल्की सी पीतल का टुकड़ा डालिएगा 200 मिली का, 1 ग्राम में 100 मिली डाल दीजिएगा पीतल का टुकड़ा, तो ये आपका टांका बनकर तैयार हो जाएगा। सबसे इजी यही तरीका है, कोई चांदी फाइन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड का तरीका आता है और इजी वाला, जो हर किसी पैटर्न की चांदी पर चल जाएगा। जैसे इसमें पैटर्न होते हैं, मैं बता दूं आपको, आपने कोई भी फाइन चांदी का टांका बना लिया तो हर किसी पुर्जे पर वो चांदी का टांका नहीं चल पाएगा। वो क्यों? क्योंकि जो मार्केट में सामान जो आ रहे हैं दोस्तों, जो सामान जो आ रहे हैं ना, जैसे कि बिछुआ हो गया, पायल हो गई, चैन हो गई, बहुत सारे आइटम हैं, वो अलग अलग वैरायटी अलग अलग क्वालिटी के बनाए जाते हैं। उसमें अलग अलग प्रकार का टांका लगा होता है, कोई हार्ड टांका लगाता है, कोई लूज टांका लगाता है, कोई कैसा भी खाल लगाता है, कोई KDM का खाल लगा करके बनवाता है, कोई कॉपर का खाल लगवा करके आइटम बनवाता है ना। तो उस विषय में जो अपन का जो टांका फाइन चांदी का होता है, जिसे हम चलाने पर वो तो टांका नहीं गलता और पायल या बिछिया गलने लगता है, तो उस कंडीशन में अपन का जो टांका है सेकंड नंबर वाला जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो हर किसी पैटर्न पे काम आएगा, चाहे बिछिया हो, चाहे रिंग हो चांदी की, चाहे चैन हो, चाहे कोई भी पायल हो। इतना बढ़िया टांका मैं बताने जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना है आपको, चांदी का एक टुकड़ा लेना है, सही चांदी का, जैसे कि रिंग वगैरह बनाते हैं उसका बच जाता है टुकड़ा वगैरह, तो आप वो ले लीजिएगा 1 ग्राम, 1 ग्राम का रेशियो बता रहा हूँ, 1 ग्राम चांदी का बढ़िया टुकड़ा लेकर के, कोई भी टंच का हो सकता है, 80 से लेके 100 तक, 80 तक का काम करेगा इतना, ठीक है ना। 80% तक की चांदी का कोई टुकड़ा पड़ा हो तो उसे ले लीजिए, उसमें बंकनार के, जो बंकनार होती है ना अपन की, वो टूटी फूटी कोई बंकनार फेंकी मत, बहुत काम आती है। इसका ये पीछे से टुकड़ा काटिएगा 200 मिली का, 200 मिली काट लो, 1 ग्राम में बहुत है, 200 मिली टुकड़ा काट के बंकनार का, और चांदी के टुकड़े में रख करके गला दीजिएगा, चांदी का टांका इतना बेहतरीन बनकर तैयार होगा, हर किसी पैटर्न पर वो चांदी का टांका आपका चलेगा, ठीक है। अब आया थर्ड नंबर, थर्ड नंबर का जो टांका होता है वो आप दो चीजों में काम ले सकते हैं, एक तो सोने की जुड़ाई में भी वो काम में लिया जा सकता है, और एक चांदी की, जैसे कोई रिंग वगैरह बनाते हैं उसमें भी काम में आता है। तो वो कैसे बनता है उसका भी मैं तरीका बता दे रहा हूँ, 1 ग्राम के रेशियो से। तो आप 1 ग्राम फाइन चांदी लेंगे, 1 ग्राम फाइन चांदी में 1 ग्राम की जगह 800 मिली आप कॉपर डालेंगे, 1 ग्राम चांदी फाइन, 800 मिली उसमें कॉपर डालेंगे, और 1 ग्राम वो क्या बोलते हैं, 300 मिली उसमें आप जस्ता डालेंगे, और ये तीनों चीजें डाल करके हल्की हल्की गर्म करते हुए, सुहागा डालते हुए हल्का हल्का गर्म करते हुए, उसको जस्ता ना उड़ पाए उस प्रकार से गला करके और अपने यूज में ले सकते हैं। ये आप चांदी की अंगूठी बनाएंगे तो उसमें काम आ जाएगा, सोना का कोई टांका बनाना चाह रहे हैं तो उसमें काम आ जाएगा। ये तो चांदी का हो गया, आप
सोने का टांका जब चलाएंगे तो उसमें थोड़ा सा सोना रखना पड़ेगा, तब सोने का टांका बनेगा। यानी के सोने के टांका बनाने के लिए एक्स्ट्रा में मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उसकी लंबी थ्योरी हो जाती है, तो अभी ऐसे आप नहीं समझ पाएंगे। अभी चांदी का केबल रहने दीजिए, इस पर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना? प्रैक्टिस करके बताइएगा, अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपका सोल्यूशन निकालूंगा, आपको पूरा पूरा ज्ञान दूंगा, जानकारी दे दूंगा आपको, ठीक है? तब तक के लिए, दूसरी वीडियो के लिए कल मिलते हैं। प्यार बनाए रखिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाएगा, आप पसंद आता है चैनल तो प्लीज दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में वीडियो पहुंचाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज शेयर भी कर सकते हैं। तो कल तक के लिए आज्ञा दीजिएगा, कल फिर एक वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ। नमस्कार दोस्तों।